मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम एक वीडियो क्लिप लेकर आए हैं जिसमें कि एक लड़की चर्च में चोरी करते हुए नजर आ रही है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो लड़की तो चर्च के CCTV कैमरे से दिख गई, पकड़ी गई चोरी उसकी। लेकिन फिर भी यदि चर्च में CCTV कैमरे नहीं रहता तो क्या वो लड़की बच जाती? नहीं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हर समय हमको देखता है, जिन्होंने हमको बनाया है, जो हम पे हर घड़ी हर समय नज़र बनाए रखता है, उससे हम कभी नहीं बच सकते, वो उससे कभी नहीं बच सकती। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन अटल है और प्रभु ने अपने वचनों में क्या कहा, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगर वो हमें नहीं देखेंगे तो उसका वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, प्रभु हर समय हर घड़ी हमें हम पर नज़र बनाए रखता है। हम यहाँ इस पृथ्वी पर क्या करते, कहाँ जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, खाते पीते, सोते बैठते, हमको हर एक घड़ी हर समय हमको प्रभु देखते रहता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दिखा और आप लोगों के साथ कुछ वचन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो क्लिप को देखिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस तरह से ये लड़की चर्च में चोरी करते नज़र आ रही है। मेरे दोस्तों, इसी तरह हम लोग भी चोरियां करते हैं, गलत काम करते हैं और हम बोलते हैं कि हमें कौन देख रहा है। तो आइए मेरे दोस्तों, आप लोगों के साथ हम एक वचन शेयर करते हैं। हम निकालते हैं यशाया 29 अध्याय पद संख्या 15, जिसमें लिखा है, धिक्कार उन लोगों को जो प्रभु से अपनी योजनाएँ छिपाते हैं, वे अंधेरे में पड्यंत्र रचते हुए कहते हैं, हमें कौन देख रहा है, हम पर कौन ध्यान देता है। वे गलत सोचते हैं, 16वां वचन है, वे गलत समझते हैं, क्या मिट्टी कुम्हार के बराबर है, क्या कृति निर्माता से कहेंगे कि तुमने मुझे नहीं बनाया। इसी प्रकार मेरे दोस्तों, हम इस वचन से आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है, क्या कृति जो मिट्टी का बर्तन जो बनता है वो कुम्हार से कह सकती है कि तुमने मुझे नहीं बनाया, कभी नहीं। मेरे दोस्तों, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, वो हर समय हर घड़ी हमको देखता है। चाहे हम अंधेरे में कोई कार्य करें या कहीं भी जाए, कोई भी काम करें, प्रभु हर समय हर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम कोई भी कार्य, गंदे कार्य करने से पहले, गलत काम करने से पहले, हमको एक बार प्रभु को जरूर याद करना चाहिए। हमें मनुष्य नहीं देख सकता, हम उससे छुपा के कर सकते हैं, लेकिन प्रभु से हम कभी नहीं छुपा सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने जीवन में अगर कोई भी गलत काम करने जा रहे हैं या कोई भी गलत काम कर रहे हैं, तो एक बार प्रभु को ज़रूर याद करें। क्या प्रभु से हम छुपा सकते हैं? अगर हम उससे छुपा सकते हैं तो करें, लेकिन अगर हम उससे नहीं छुपा सकते तो नहीं करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उससे छुपा लें, इसलिए हमको करना ही नहीं। वो हर समय हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। क्या हम जब प्रार्थना करने जाते हैं, हम किस विश्वास के साथ जाते हैं कि प्रभु हमको देख रहा है, हम कुछ मांगेंगे प्रभु से, प्रभु हमको देगा, ये विश्वास करके हम प्रार्थना में जाते हैं? तो फिर हम गलत काम करने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि प्रभु हमको देख रहा है, वो हमारे हर एक बातों को सुनता है, वो हमारे मन के बातों को जानता है। क्या वह हम पर दृष्टि नहीं रखेगा? क्या हम जो कार्य करेंगे उसको नहीं देखेगा जो हमारे मन को बातों को जानता है? क्या वह हम जो कार्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, हम उससे कभी नहीं बच सकते। इसलिए आप लोग कोई भी गलत काम, कोई भी चोरियाँ, कोई मतलब गलत काम हो, आप कभी ना करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ऊपर आकाश से बैठे हुए सबों पर दृष्टि दौड़ाता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोग भी इस वचन को जानें और गलत काम करने से बचें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करिए।